लगता लगता 8-10 व्यूज आता है। 8-10 व्यूज किया है दोस्तों, 2 साल से लगभग मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, 2 साल से निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, निरंतर मेहनत कर रहा हूँ कि तब भी आज आज की पोजीशन है कि दोस्तों हम लगभग 950 वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पे। 950 वीडियो डालने के बाद भी दोस्तों आज तक व्यूज अच्छी तरीके से आया नहीं। आज इसी खेत के ब्लॉग में 2 वीडियो आपको, दोनों बातें बता दिए, अपना खेत भी दिखा दिए और अपना प्रॉब्लम भी बता दिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, और मेरे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आता है। पगाड़ हम सब बोलते हैं, हौदा तो खाली है क्योंकि पानी खोल दिया गया इसमें का, और हे गाइज वेलकम टू न्यू ब्लॉग, और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं खेत में अपना धान देखने के लिए। तो हम लोगों के यहाँ दोस्तों धान काफ़ी मेहनत लगता है पैदा करने में, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं हम लोगों की है मिट्टी बलुई इसलिए। तो दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों एक बात और बोलनी थी दोस्तों कि आप लोगों को क्या हमारी ब्लॉग पसंद नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग में आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट नहीं लेते, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई व्यूज आती है दोस्तों। तो क्या आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आता है या नहीं आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए दोस्तों कि अब मेरा भी मन, लगभग 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, अब बहुत दिक्कत जैसा महसूस हो रहा है कि 2 साल से काम करते करते इतना दिन बीत गया दोस्तों, लेकिन कभी भी किसी वीडियो पे 1000 तक व्यूज भी नहीं गया। तो दोस्तों क्या, अगर आप लोगों को हमारी ब्लॉग अच्छी नहीं लगती हो तो भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं लगती होगी दोस्तों हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने में और काफ़ी समय निकाल कर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों इतना ही वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आती होगी तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज अपने धान की खेत आ चुके हैं दोस्तों हम धान के खेत में। तो दोस्तों ये है हमारे हरियाली, हमारे गांव की कुछ, तो हमारे गांव की ये है हरियाली। तो इस हरियाली में देखिए दोस्तों हम लोग दिखाते हैं आपको, तो हमारे इस हरियाली में दोस्तों आपको दिख रहा होगा धान, पूरे क्षेत्र में दोस्तों धान ही धान नज़र आएगा आपको। और इधर देखिए तो इधर पूरे क्षेत्र में हमारे आपको दिखेगा धान, धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, धान खेती हमारे यहाँ होती है और गेहूं की भी फसल होती है। इसके अलावा दोस्तों ये है दोस्तों हमारा धान पूरा पक चुका है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी पक चुका है, आधा कुछ कच्चा भी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि हमारे तरफ है खेत में और कुछ नहीं बोया जाता है, सिर्फ धान खेती और गेहूँ खेती और सरसों खेती होती है दोस्तों, 3 खेती ज़्यादा करके होती है। और तो खाने पीने के लिए कुछ लोग आलू वलू बो लेते हैं, उसके पहले कुछ नहीं बो पाते हैं। और नहीं बोने का दोस्तों कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसे मक्का भी नहीं बोया जाता है, बाजरा भी नहीं बोया जाता है, तो बाजरा उतना ही बोया जाता है जितना लोग काट के खिला लें बस, इसकी भी खेती नहीं होती, जो कि हमारी जमीन, हमारी मिट्टी जो है सब चीज़ों के लिए उपलब्ध है, मक्का बाजरा जौ मटर सब हमारी मिट्टी में उपलब्ध होता है, हमारी ज़मीन में सब कुछ उपलब्ध होता है और इसलिए नहीं बोया जाता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नीलगाह जिसे कहते हैं इतना ज़्यादा है दोस्तों, पता लगता है कि दोस्तों जब हम बोल देते हैं और थोड़ा बड़ा होता है तो वो लोग आके एकदम पूरे फसल को ऐसे बैठा देते हैं, इसलिए ज़्यादा खेती नहीं होती यहाँ पे। और मक्का उक्का की और काफ़ी खाने पीने के लिए हम लोग आलू वलू बो देते हैं। और धान की खेती आपको दिखा ही रहे हैं कि काफ़ी हरियाली हमारे चारों तरफ ही दिख रहा होगा आपको, हरियाली हरियाली है। तो गाँव में हमारे काफ़ी धान की खेती होती है, धान खेती हम लोग के गांव में धान की, जो कि मिट्टी धान के उपजाऊ के लिए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग परिश्रम करके बहुत अच्छी मिट्टी में धान उपलब्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसलिए आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों इसी बात का दुख भी है कि हम वीडियो भी बनाते हैं, तो आज आप लोगों को अपना खेत दिखा रहे हैं और यहीं पर बैठ कर वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों हम इतना मेहनत करने के बाद पता लगता है कि हमारे वीडियो पे 2 से 3 व्यूज आता है। अगर आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो नहीं पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हम किस प्रकार से वीडियो बनाएं, कैसी वीडियो बनाएं जो आप लोगों की पसंद आए। और थोड़ा दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास मोबाइल भी नहीं बहुत अच्छे तरीके से है, ये तो अपने भाई का मोबाइल ले करके आया हूँ और माइक की सुविधा नहीं है बोलने के लिए,
इसलिए आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी आवाज़ से। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आता है, कि हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं दोस्तों, कि अच्छे तरीके से अपने बात को व्यक्त नहीं आपके सामने रख नहीं पाते हैं, या हमारा कैमरा ख़राब है, क्या है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब तक कमेंट करके बताएंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों, हमारे मोबाइल हमारे जो चैनल पे व्यूज ही एकदम कम आता है, पता लगता है 8-10 व्यूज किया है दोस्तों। 2 साल से लगभग मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, 2 साल से निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, कि तब भी आज की पोजीशन है कि दोस्तों हम लगभग 950 वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पे। 950 वीडियो डालने के बाद भी दोस्तों आज तक व्यूज अच्छे तरीके से आया नहीं, तो बहुत दुख होता है दोस्तों। कभी कभी सोचता हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद व्यूज नहीं आ रहा है और क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर बताइए। अगर गाइस ये दोस्तों प्रॉब्लम हमसे है या हमारे वीडियो से प्रॉब्लम है, तो हमको आप लोग एक बार सचेत करेंगे तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। तो आप अगर जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें कुछ पता चलेगा नहीं, तो आप लोग बताइए। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, अच्छे से अच्छी मोबाइल नहीं है दोस्तों, और एक जिसमें माइक बोलते हैं वो नहीं है। ये दो चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा शूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो शूट हो हमारा। तो चलिए, हम आपको आज इसी खेत के ब्लॉग में दो वीडियो आपको दोनों बातें बता दिए, अपना खेत भी दिखा दिए और अपना प्रॉब्लम भी बता दिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, और मेरे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आता, व्यूज आप लोग हमारा वीडियो देखना क्यों नहीं चाहते, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और कुछ। तो दोस्तों ये है हमारे जहाँ से हम अपने खेत में पानी ले जाते हैं, देखिए यहीं से सीधे ये हमारे खेत में पानी जाता है दोस्तों। तो ये है जो टूबुल दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये टूबुल है हमारे खेत में, यहीं से हम पानी ले जाते हैं। तो दोस्तों अब की बार पानी भरना पड़ा था तो यहीं से हम लोग भरते थे और हर वक्त भरते रहते हैं। और देखिए अभी ये हमारा ये धान है जो हमसे थोड़ा पीछे बैठाया गया है, तो अभी ये भी रहा है, इसमें पानी भी चल रहा है। तो दोस्तों यही है टूबुल, तो आपको दिखाते हैं कुछ टूबुल का लुक। तो दोस्तों जाने के लिए देखिए खेत से पूरा माटी निकलवा दी है, इस साइड से जाना है तो प्रॉब्लम है, इतनी पतली मेड़ी सी है। तो ये है दोस्तों कुछ यहाँ का पानी, ऐसे यही पानी आता है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए, तो दोस्तों पानी भरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों हमारे गांव में काफ़ी सब लोग खेती पे ही निर्भर हैं और खेती के साथ साथ दोस्तों सब लोग मेहनत भी करते हैं, बस वही एक ही प्रॉब्लम है कि दो ही फसल हम लोगों को ज़्यादा काटना पड़ता है, एक धान एक गेहूं, और तीसरी फसल है इसके साथ साथ सरसों। बकिया दोस्तों इसलिए नहीं काट पाते हैं कि यहाँ पर नीलगाय और जो योगी बाबा के सांड छुटे हुए हैं उनके वजह से पूरा एकदम खेत का फसल नष्ट हो जाता है मौसम उसके अनुसार। जब जब पता लगता है कि धान, अभी धान तो काफ़ी मान लीजिए कम चरे हैं और इसमें कम है, लेकिन बाद में कुछ लोगों का एकदम से जड़ से ख़त्म कर देते हैं, इतना चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है दोस्तों, पैदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आपको एक बार लुक दिखाते हैं पूरा यहाँ से, तो काफ़ी आपको मस्त लुक दिख रहा होगा दोस्तों। ये है हमारे पूरे क्षेत्र का जो धान का खेत है। तो दोस्तों हम चलते हैं इधर दिखाते हैं और आ गए बगल में, और देखिए अभी पानी, कल ही पानी चलाए थे दोस्तों अपने धान, आ गया है रेड़ पे, बाल इसका निकल आया मुंह में। तो सपोर्ट करते रहेंगे, हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और आपको दिखाएंगे पूरा। और थोड़ा चल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसलिए चल नहीं पा रहे हैं कहीं वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में ज़्यादा बने रहिए और ज़्यादा ज़्यादा बताते रहिए क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको उस तरह की वीडियो बना के ज़रूर दिखाएँगे। तो चलते हैं एक बार उस टूबुल पे और टूबुल से आपको वीडियो शूट करके दिखाते हैं काफ़ी। और दोस्तों
अब जान लीजिए यहाँ पर इतना पानी भरने में, इनको देखिए इतना पानी सब लगा हुआ है, यहाँ से पूरा लगा दिए पानी खेत में, और धान काफ़ी इतना बड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों हमारे, तो हमारे कंधे तक यहाँ तक होगा दोस्तों, सीने तक धान होगा। तो चलिए एक बार वीडियो को आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो चलते हैं टूल पे, आए यहाँ काफ़ी दिन हो गया है दोस्तों, भरने के लिए वही आए थे, तब से फिर आए नहीं यहाँ पे। तो आज आपको भी दिखाते हैं टूल जहाँ से हम लोग पानी भरते हैं, ते है दोस्तों टूल। और देखिए इसका पगड़ा, जो पगाड़ हम सब बोलते हैं हौदा, तो खाली है क्योंकि पानी खोल दिया गया इसमें का, और यहीं से पूरे ब्लॉक का शूट यहीं से हम करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं यहाँ से, तब दिखाते हैं काफ़ी मस्त व्यूज। तो दोस्तों यहाँ से आपके पूरे एरिए का दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज आ रहा है दोस्तों। तो गाइज हम आके बैठ चुके हैं टूबल के ऊपर, छत पे आ गए टूबल के, तो इसके नीचे हमारा सब व्यवस्था है हम लोगों का पानी भरने के लिए, इधर यहाँ से जाता है। तो चलिए आज का बात यहीं पर समाप्त करते हैं, तो फिर आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कि दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा दोस्तों तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं वीडियो बना बना के, और मेरे वीडियो पे एकदम से व्यू जाना ही बंद हो गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों यारों में, दोस्तों शेयर करिएगा। फिर आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।